14 जनवरी को जीटी रोड पर गन्नौर रक्तमाल अखाड़े मथुरा में स्थित निरंकारी आध्यात्मिक परिसर में निरंकारी भक्तों द्वारा सेवा का शुभारंभ सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस परिसर की दिव्य परिकल्पना निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कई वर्ष पूर्व की थी और इसके लिए भूमि ली गई। परिसर में एक विशाल सत्संग पंडाल का निर्माण किया जाएगा जो दिल्ली वार्षिक निरंकारी संत समागम के पंडाल से भी लगभग 3 गुना बड़ा होगा। आज सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के परिसर में पधारने पर उनका भरपूर स्वागत किया गया जो कि एक भव्य शोभा यात्रा का रूप बन गया। सतगुरु माता जी ने खुले वाहन पर विराजमान होकर भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। मिशन के विशिष्ट पदाधिकारी एवं सेवा दल के सदस्य शोभा यात्रा की आगवानी कर रहे थे। उद्घाटन समारोह के उपरांत सदगुरु माता जी सत्संग पंडाल में पहुंचे और वहां उन्होंने भक्ति एवं समागम की अध्यक्षता की। समागम में अनेक वक्ताओं, गीतकारों व कवियों ने निरंकारी भक्तों को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की जिन्होंने सदगुरु के आदेश अनुसार जीवन पर्यंत तन मन धन से सेवा की और कर्म द्वारा मिशन के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास। हरियाणा सरकार तथा प्रदेशवासियों की ओर से राज्य के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार ने सदगुरु माता सविंदर जी तथा लाखों श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। एक संत हमेशा बन गया जीवन में डाल के समर्पण भाव से जीवन जीता है। बाबा जी से भी आपने सुना जिस पेड़ को जितना ज्यादा फल लगता है वो उतना ही नीचा झुकता है। इन महापुरुषों को जो जो आदेश दिए गए उन्होंने सच सच करके उनको माना। जो जो सेवा लगाई गई विदाउट एनी इट्स एंड बट्स उस सेवा को करना स्वीकार किया और कभी उसका अभिमान नहीं किया। आपने हरदेव वाणी में भी पढ़ा होगा ना, अगर दूध में थोड़ा सा भी खट्टा मिल जाता है तो वो फट जाता है। इसी प्रकार अगर सेवा का थोड़ा सा भी अभिमान आ जाता है तो वह सेवा व्यर्थ जाती है। सुंदर जी भाई सब संतोख सिंह जी के भी जीवन से आप सब वाकिफ हैं। किस प्रकार से उनको सरोवर पर जाने का हुक्म किया गया तो उन्होंने एकदम वहाँ जाने की तैयारी कर ली और आप सब जानते हैं उस टाइम सरोवर जंगल था, फ्लड्स आते थे, सांप थे उधर बहुत और उनको अनेकों लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कम्फर्ट छोड़ के उधर जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि मेरे को आदेश आया है, मैं इस पर इसको जरूर पूरा करना है। संत महापुरुषों के अंदर हमेशा समर्पण भाव ही होता है और ये समर्पण भाव भी तब आता है जब निरंकार का आधार लेता है एक भक्त। और साथ संत जी इसके साथ फिर वो शब्द गॉड कॉन्फिडेंस का ध्यान आया, उनको अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं बट बिलीव इन कॉन्फिडेंस था जो निरंकार कर रहा है हमारे लिए बेहतरी के लिए ही कर रहा है। इफ यू हैव मोर ट्राइंग इन ट्राइंग टू टीच अदर्स और एजुकेट अदर्स यू विल हैव लेस टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ। और पूरन संत हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है एक इनोसेंस के साथ जाता है और जो जो उसको सिखाया जाता है उसको ट्रेस करके आगे जो जो सीखता है क्लासेस पढ़ती हैं उसको उन सब बातों का अपनी लाइफ में अमल करता है, उन्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। इसी प्रकार एक संत ज्ञान लेने के बाद खुले भाव से अगर भक्ति करता है, सीखने के भाव से भक्ति करता है, संगत में आता है तो बड़ा कुछ सीख पाता है। अगर अमल करना आ जाए तो फिर बोलों की जरूरत ही नहीं है। साथ संगत जी अहंकार से अरदास है एक एक बच्चे का एक एक संत का जीवन ऐसा बन पाए। साथ संगत जी आज इधर आप सबने
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की, इंग्लिश में ग्राउंड ब्रेकिंग है, पर इट्स द मेकिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स जिसका एक एक चीज का प्लानिंग बाबा जी ने खुद किया और आज आपका ये मास्टर प्लान भी देखा। कुछ वक्त पहले बाबा जी ने समागम पे बात का जिक्र किया था कि समागम होता है जिस जमीन पे, पर जब संतें समागम के बाद वापस भी चली जाती हैं, उन सब आकाशों की उस जमीन से महक आ रही होती है। सतसंग जी इसी प्रकार इस जमीन से बाबा जी के प्यार की, बाबा जी की सिखलाइयों की और बाबा जी की हर कण से महक आ रही है। नमकार से यही अरदास है, जैसे इस जगह का नाम भी संभाल रखा है, हम उन सब आशीर्वादों को पूरी तरह से संभाल के रखें और जैसे बाबा जी ने चाहा वैसा सब जीवन जी पाए। यानी साथ सब जी प्यार से जी। हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।